सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विधान मौर्य और आप सभी देख रहे हो जी टी इंडिया मॉडर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने जी टी एस एनरेस एंड्रॉयड के मैप एडिट कैसे कर सकते हो। तो इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था क्या होती है मैप फाइल और वगैरह वगैरह जो सब बताया था आपको। इस वीडियो में मैं आपको मैप एडिटिंग करके बताऊँ। गाइज, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको सब कुछ यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो के लाइक के मैम रखते हैं 45 लाइक्स। तो चलिए मैं आपको अब आगे सिखाता हूँ। So let's start modding. So सबसे पहले मैं अपना मैप एडिटर खोल लेता हूँ यहाँ पर एंड ओके। ये सब तो आपको पिछले वीडियो में मैंने सिखा दिया था। यहाँ पर वह हमारी फाइल लोड हो रही है मैप वगैरह की, ठीक है। तो इसे लोड होने देते हैं। अब गाइस, यहाँ हमें एक सीन सेलेक्ट करना है जो कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सीन सेलेक्ट कर लिया है और इसके मैं आपको यहाँ पर मैप एडिट करके बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कैसे होती है मैप एडिटिंग। मैंने आपको बताया था कैसे कैश करना है, इसकी सेटिंग्स वगैरह बताई थी मैप एडिटर की। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, यहाँ कार्ड में लिंक है ऊपर, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। आपको मैंने कंट्रोलिंग भी बताई थी पिछले वीडियो में, कैसे कंट्रोल करते हैं मैप एडिटर, कैसे चलाते हैं, क्या माउस से कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैप एडिटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पोजिशन सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें मैप डालना है, ठीक है। तो मतलब जहाँ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है या कुछ भी एडिट करना है तो वहाँ पर हम पोजिशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा यार ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। 4x कर लेते हैं। ये सेटिंग्स आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके हिसाब से होगी, आपके पीसी के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4x कर लिया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट आगे निकल जाते हैं कभी कभी शिफ्ट के साथ। अगर आपको तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड में स्क्रॉल करना है तो आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंपल अगर धीरे धीरे करना है तो आप माउस का जो रोलर होता है उसके साथ। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट करना है तो यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्लिक करोगे और जैसे ही न्यू ऑब्जेक्ट क्लिक करोगे ऐसा कुछ आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एरर कैसे फिक्स करते हैं, इसे हमें अभी ओके कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाना है आपको IPL फाइल जो दिख रही है ना, यहाँ IPL फाइल में जाने के बाद ये जो फाइल हमें यहाँ दिख रही है सेम टू सेम वही फाइल हमें IPL फाइल में भी सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इस जगह में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें सर्च बार में मिल जाएंगे, ठीक है, जब हम सर्च करेंगे। तो वापस हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं एंड न्यू कर लेते हैं। ये थोड़ा सा स्लो होता है गाइस, तो घबराइए मत, ये आ गया है। यहाँ न्यू पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ हम सर्च कर लेते हैं। सर्च बार आपको नज़र आ रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ ट्री, तो ये एंड फाइंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह सारे आ जाएंगे इस एरिया के, ठीक है। तो ये भी सिंपल गेम है, अगर आप GTA MG में ऐड करोगे तो वही वाले यहाँ दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल वाला ऐड कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। कहीं का भी एक ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए बस उसका नाम आपको डालना है GTA MG फाइल वाला, ठीक है। वो फाइल का नाम आप जैसे ही डालोगे ऑब्जेक्ट का नाम तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ जैसे हमने IPL फाइल सेलेक्ट करी थी तो IPL फाइल भी वही सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी सीन फाइल में। तो यहाँ पर मैंने एक ट्री सेलेक्ट कर लिया है, बहुत ही बेकार टाइप का है लेकिन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसकी पोजीशन सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले आपको बता दे रहा हूँ पोजीशन, यहाँ पर आप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हैं इन्हीं सबसे जो बटन्स हैं इन्हीं सब पोजीशन सेट होती है जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक परफेक्ट पोजीशन हम सेट कर लेते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पोजीशन सेट कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा इन साइड्स वगैरह से ही पोजीशन सेट होती है। और यहाँ पर मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, शायद पिछले वीडियो में ना बताया हो लेकिन अभी अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन सेट कर लेता हूँ। गाइज, यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे पोजीशन सेट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में ना बोल पाएँ कि भाई यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे सेट हो गया वो ट्री, ठीक है। तो मैं आराम आराम से आपको पोजीशन सेट करके बता रहा हूँ और आप ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आपने एक सेकंड क्लिप स्किप किया, एक माइक्रो सेकंड क्लिप स्किप किया तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहोगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम धीरे धीरे पोजीशन सेट करते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने पोजीशन सेट कर ली है और आगे बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पर मैंने एक पोल रखा है जिसमें दो टाइप के मैंने कह सकते हो आप डाले हैं कुछ क्वेश्चंस कि मैं अपने अगले मॉर्निंग एपिसोड में क्या सिखाऊं। तो आप प्लीज़ वोट कर दीजिए कि मैं क्या सिखाऊं। ठीक है, मैंने दो डाले हैं तो उनमें से आप दोनों में से जिससे ज़्यादा वोट आएंगे वही मैं सिखाऊंगा। एंड्रॉयड में होगा तो एंड्रॉयड में सिखाऊंगा और पीसी में अगर होगा तो पीसी में। एक ट्यूटोरियल रहेगा एंड्रॉयड वाला, एक रहेगा पीसी वाला। ठीक है, तो आप जल्दी से उसे वोट कर दीजिए और अभी हम आगे देखते हैं। गाइस जैसे ही हम पोजीशन सेट कर लेंगे तो इसे फाइल को हमें सेव करना है। लेकिन 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 फाइल सेव करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी फाइल का नाम हमें सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं सेव कर लेता हूँ एक मिनट। स्निपिंग टूल सर्च, आप जैसे सेव रखना चाहें वैसे सेव रख सकते हैं। मैं अपने मुझे मतलब याद रहे और मतलब परफेक्ट फाइल के लिए आपको बता दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहा हूँ कि यही फाइल हमें मैथ्स फोल्डर में बाद में ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड डेस्कटॉप पर ही वो कर लेता हूँ सेव। तो अब हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइल एंड सेव इंस्टॉल। ठीक है, एंड ये पूछेगा सेव चेंजेस, तो हम यस। एंड अब मैप एडिटर आप बंद कर सकते हो आराम से। मैंने मिनिमाइज कर दिया और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पीसी हैंग कर रहा है। तो इस फाइल को ओपन करके हम देख लेते हैं ये फाइल है कहाँ। ठीक है, डेटा मैप्स LA LAE2.IPL। तो यही फाइल हमें सेम हमारे गेम की मैप्स फाइल में देखनी है। तो मैं गेम्स की मैप फाइल में चलाता हूँ एंड यहाँ गेम्स GTA San Andreas एंड डेटा फाइल, ये रही डेटा फाइल। डेटा फाइल के अंदर मैप्स फाइल, मैप्स फाइल में LA के अंदर LAE2.ID। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा स्लैश मैप्स LA LAE2.IPL। तो वही फाइल हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी IPL फाइल कहाँ है। ये आई डी फाइल है, इसे नहीं करना है। ठीक है, IPL फाइल जो है IPL फाइल को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड डेस्कटॉप पे ही पेस्ट कर लेता हूँ एंड पेस्ट नाउ। ठीक है, अब इसे मैं अपने एंड्रॉयड में डाल देता हूँ। यहाँ से चले जाइए आप दिस पीसी पर और अपने एंड्रॉयड में डाल लीजिए। रेडमी 4 मेरा है इंटरनल मेमोरी एंड यहाँ पर एंड इन्फिनिटी वॉर में डाल देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सिंपल सा है यार, पेस्ट क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब बढ़ते हैं हम गाइज हमारे एंड्रॉयड की ओर। गाइज अभी हम मेरे एंड्रॉयड में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं वो फाइल जो हमने कॉपी की थी वो हमें गेम्स की डेटा फाइल में पेस्ट करनी है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ ZRGO में एंड यहाँ पर हमने कॉपी करी थी फाइल इन्फिनिटी वॉर। ठीक है, इन्फिनिटी वॉर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कॉपी करी थी। तो यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर हमारी ये फाइल दिख रही है LAE2.IPL। ठीक है, ये फाइल आपको दिख रही होगी, इसे लीजिए एंड कीजिए कॉपी। यहाँ मैं कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट करिए डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डाटा कॉम रॉकस्टार गेम GTA SA ये वाला फोल्डर एंड फाइल्स यहाँ डेटा यहाँ मैप्स एंड यहाँ पर LA एंड यहाँ पेस्ट कर दीजिए। गाइस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, नहीं तो मैंने कहा ना एक माइक्रो सेकेंड भी अगर मिस किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ आप रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस बोल रहा है तो रिप्लेस कर देते एंड आप अपना गेम ओपन कर लीजिए। वो जो हमने ट्री डाला था वो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं मैप एडिटिंग, परफेक्ट मैप एडिटिंग। तो गेम ओपन करके देखते हैं, आपके सामने टेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई कट नहीं कर रहा हूँ वीडियो। और जहाँ भी कट किया है वहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए कट किया है। जो मैंने सीन सेलेक्ट करा था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे ढूंढना था कौन सी लोकेशन है गेम में, तो वो सब आपको खुद याद देखनी पड़ेगी, वो सब मैं नहीं बता सकता। तो न्यू गेम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम जाने वाले हैं जहाँ लिखा था लॉस सैंटोस, बड़ी बड़े बिल्डिंग टाइप थी ना वहाँ पर, तो वहाँ चले जाते हैं। गेम स्टार्ट हो गया, चल भाई जल्दी हो जा। एंड ऐसे हम टेलीपोर्ट कर लेते हैं जहाँ पर सेलेक्ट किया था, तो वो जगह ये है। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, टेलीपोर्ट कर लेते हैं एंड ये टेलीपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं भाई हमारा ट्री आया है या नहीं, तो घूम के देखते हैं एक मिनट। ओहो कार में बैठ जाता हूँ, कहाँ दौड़ा रहा हूँ इसे। ठीक है, हम देखते हैं हमारा ट्री आया है नहीं। मैं सिंपल गेम में करके बता रहा हूँ, कोई मॉड में नहीं बता रहा हूँ। तो मॉड की वजह से ही क्रैश होता है, तो
बाकी जगह क्या देखने को मिलेगा। तो हम इसके आजू बाजू देखते हैं, हम यहीं सेट किया था यहीं कहीं, ठीक है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और गाइस देखिए 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 देखिए, हमने जो ट्री सेट किया था वो यहाँ आ चुका है, बहुत ही बेकार दिख रहा है लेकिन मैंने आपको सेट करना बताया। तो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि मैप एडिटिंग पॉसिबल है, कैसे करते हैं, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।